नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। सेबिया और सफेदा अमरूद पर मौसम के साथ कीटों की भी मार, निराश हुए प्रयागराज के बागबान। इलाहाबाद और प्रयागराज की पहचान सेबिया और सफेदा अमरूद पर इस बार मौसमों के साथ कीटों की मार पड़ी है, जिसके चलते अमरूद के बाग उजाड़ गए हैं। अब की 20% ही उत्पादन होने के आसार हैं। जाहिर है कि यह खास अमरूद खाने वालों को अब की दाम ज़्यादा चुकाना होगा। फसल कम होने से बागवानों में भारी मायूसी है। उनका कहना है कि ऐसी समस्या उनके सामने पहली बार आई है। बागवानों ने जिला प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई है। प्रयागराज में बमरौली की तरफ जीटी रोड के आसपास मीरापुर, बाकराबाद, फतेहपुर घाट, बिहिया गांव के अलावा मेजा के रामनगर क्षेत्र में उरवा ब्लॉक के समोगरा, डिहिया व कौसाम्बी जिले में चरवा, सैयद सराव, बलीपुटाटा, धमसेड़ा, शाहपुर आदि गांव में बड़ी संख्या में अमरूद की बाग है, जहां पर किसानों ने सफेदा, सेबिया सहित अन्य किस्म के अमरूद लगा रखे हैं। सर्दी के मौसम में यह बाग अमरूदों से पटे रहते हैं, लेकिन इस बार पेड़ों पर अमरूद नहीं है। किसानों का कहना है कि उनके बागों में पेड़ों पर फूल नहीं आए। जिन पेड़ों पर आए भी तो कीटों के प्रकोप के चलते फल गिरने लगे। उनका कहना है कि एक बीघा बाग से पहले उन्हें 40-50 हज़ार की आय हो जाती थी, किंतु इस बार तो 10-15 हज़ार हो गए, जो गनीमत है। बाकराबाद गांव के मुन्नू पटेल ने 20-25 बीघा क्षेत्र में अमरूद का बाग लगा रखा है। उनका कहना है कि पूरे बाग इस बार सफा चट्ट हैं। पेड़ों पर जो फूल फल लगे भी है उनमें कीड़े लग गए हैं। उत्पादन 20% होने का अनुमान है। कहा कि उनके लिए बाग ही रोजी रोटी का मुख्य साधन है, ऐसे में परिवार चलाने का संकट बड़ा हो गया है। अमरूद की सेविया और सफेदा किस्म ही इलाहाबाद अमरूद की पहचान से जुड़ी है, जिन्हें लोग खूब पसंद करते हैं। देश विदेश तक इनकी मांग है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ के बागों में अन्य तमाम किस्में हैं। खुजरू बाग के उद्यान निरीक्षक बच्चा सिंह का कहना है कि अमरूद की कई नई किस्म की बागबान लगा रहे हैं, जिसमें ललित, श्वेता, धवल, थाइसिक, तेज प्रताप, बीएनआर उर्फ बर्फ खान आदि, जो खाने में मीठे और स्वादिष्ट हैं। बताया कि एक साल पहले खुसरू बाग में इन किस्मों को लगाया गया था, जो पहले साल से फल देने लगेंगे। थाइसिकल ऊपर से सफ़ेद जैसे होता है, लेकिन भीतर गुलाबी होता है। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। मैं मनु पटेल बकराबाद बहरोली से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ का अमरूद यानी इलाहाबाद का पूरे विश्व में दो ही चीज़ से फेमस है, एक इलाहाबाद का संगम, दूसरा है इलाहाबाद का अमरूद। जिस तरह से कोरोना ने पूरे दुनिया को हिला दिया है, इसी तरह से अब की इलाहाबादी सुर्खा अमरूद में इतना रोग लग गया है कि पूरी तरह से 100% इसकी फसल बर्बाद हो गई है। और लाखों किसान जो है इसी पर आश्रित था, अपना एक जीविका चलाता था, घर परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, दवा दुआ, एकदम पूरी तरह से चौमट हो गए। अगर इस पर गवर्नमेंट, राज्य सरकार नहीं ध्यान देगी, तो आने वाले समय में इलाहाबाद का इलाहाबादी सुर्खा अमरूद एकदम इसकी पहचान ही ख़त्म हो जाएगी दुनिया से। इसके लिए हमने कई डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया, जिला अधिकारी महोदय से, और सारे अधिकारी, किसी रक्षा अधिकारी, अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं लिया कि हाई फॉर्मेलिटी करा के चले गए, ना किसानों के इस नुकसान का कोई मुआवजा देना चाहता है, ना इसके बारे में कहता है। अगर कोई चीज़ का रेट बढ़ता है तो दुनिया में उसका सदन में हल्ला होता है, यहाँ तो किसान को कोई बात सुनने वाला ही नहीं है। आप लोग की जीविका कैसे चलेगी? जीविका चल रही है भगवान के भरोसे। अब हम लोग गुहार लगाते हैं, अब अगर कोई नहीं सुनेंगे तो बाग कटवा के अपना कोई दूसरी फसल करेंगे, जिससे कम से कम 10 रुपया नहीं तो 5 रुपया हम लोग को कम से कम मिलेगा, बच्चों को इससे कम पढ़ाई लिखाई खर्चा तो आएगा। राज्य सरकार इसके बारे में कोई सोचा? राज्य सरकार नहीं, कोई नहीं सोचा। हमने अपने ज़िले के मुखिया डीएम साहब से इसका निवेदन किया, कृषि रक्षा अधिकारी, इसके अलावा उद्यान वगैरह, मगर वो लोग आए कुछ लोग और अपनी फॉर्मेलिटी करके फ़ोटो खिंचा के चले गए। ना तो आज तक कहीं ट्रेनिंग दिया गया, ना इस रोग के बारे में कोई बताया गया। जो 1% बचा तो उसमें सब सड़ के गिर रहा, उसमें ये कीड़ा लग गया है, जो खाने लायक नहीं है, दिखाने लायक नहीं है। आज के सीजन में कम से कम मार्केट में 10,000 करोड़ की आमदनी थी, आज 500 करोड़ भी नहीं आता। लाल अमरूद की तो बात ही छोड़े, वहाँ कम से कम 50 करोड़ का 20 करोड़ पूरी मार्केट में नहीं आता। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुन्नू भैया पटेल है, इलाहाबादी में बमरौली बाकराबाद का रहने वाला हूँ। और